सनी देओल के पक्के दुश्मन है ये चार बॉलीवुड सितारे, आखिरी वाला तो सबसे बड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, सनी देओल की फिल्मी पर्दे पर छवि एक दबंग अभिनेता की है। उनकी फिल्मों में भरपूर एक्शन हुआ करता था। आजकल सनी राजनीति के मैदान में दम दिखा रहे हैं, लेकिन एक जमाने में उनकी फिल्में कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया करती थी। गदर, घायल, घातक जैसी फिल्मों में बॉलीवुड में तहलका मचाया था। आज हम कुछ ऐसे एक्टरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सनी देओल का दुश्मन माना जाता है। अनिल कपूर। सनी देओल और अनिल कपूर की दुश्मनी फिल्म राम अवतार के दौरान शुरू हुई। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म के सीन के दौरान सनी देओल ने अनिल कपूर से झगड़ा कर लिया। इसके बाद इन दोनों ही अभिनेताओं के बीच दुश्मनी का दौर शुरू हो गया। अजय देवगन। अजय देवगन बॉलीवुड के दो दिग्गज सनी देओल और अजय देवगन के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई साल 2002 में आई फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के दौरान। इस फिल्म को जाने माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे थे और संतोषी ने सनी देओल को चंद्रशेखर आजाद की भूमिका दे दी। सनी देओल ने इस रोल के लिए राजी भी हो गई, मगर उन्होंने संतोषी के सामने ये शर्त रख दी कि अगर वो भगत सिंह के किरदार में अजय देवगन को हटाकर बॉबी देओल को चुन ले तो इस फिल्म में काम कर लेंगे। इसी बात को लेकर सनी और अजय के बीच दुश्मनी का दौर शुरू हो गया। शाहरुख खान। साल 1993 में आई फिल्म डर सनी देओल और शाहरुख खान के बीच झगड़े की वजह बनी। इस फिल्म में सनी देओल ने हीरो का किरदार निभाया था और शाहरुख खान इस फिल्म में विलन के रोल में थे। इस फिल्म के दौरान सनी देओल नाखुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस फिल्म में हीरो से ज्यादा विलन को अहमियत दी जा रही है। आमिर खान। आमिर खान को सनी देओल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दरअसल आमिर खान की सुपरहिट फिल्म लगान जिस दिन रिलीज हुई थी उसी दिन सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर रिलीज हुई। उस दौरान सनी देओल ने आमिर खान से लगान फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने को कहा था, मगर आमिर खान ने उनकी बात नहीं सुनी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।